नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं अभिषेक भटनागर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो बात करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और मैं आज कोशिश करूंगा आपके कि जितने भी कन्फ्यूज़न आपके हैं वो आज सारे आपके साफ़ कर दूँ। दोस्तों कीवर्ड वाली वीडियो अगर नहीं देखी है ना तो ये ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि ये वीडियो उसी का सीक्वल है। देखो कीवर्ड वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स बताए थे, और मैंने कहा था आपसे कि भाई जो कीवर्ड होते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से आपको चूज़ करने चाहिए। तो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स भी तो यार कीवर्ड ही होते हैं। अब वो डिफरेंस कैसे हो गया? देखो जो रैंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं कीवर्ड्स पे ही बेस्ड होती है, ये बात आप ध्यान रखो। आप में से 75% लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखिए, आपने टेक्निकल गुरुजी की वीडियो देखी या किसी बंदे की वीडियो भी आपने देखी, उसका टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को उठा के आपने वीडियो शेप दी, उसके टैग्स को भी आपने कॉपी किया, और कहीं ना कहीं आप इस उम्मीद में बैठ गए कि अब तो यार मेरी वीडियो जो है, जो भी टेक्निकल गुरुजी की कोई वीडियो देखेगा तो साइड में मेरी वीडियो सजेशन में आई रही होगी, क्योंकि मैंने मेरे टैग्स और उसके टैग्स सेम है, कहानी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये ध्यान रखें आप, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा कि टैग्स आप मैच कर लेंगे तो आपकी वीडियो और उसकी वीडियो में आप एक दूसरे से रेसिप्रोकल लिंकिंग हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो आपको आपकी वीडियो जो है वो सजेशन में चली जाएगी, आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात का। देखिए टैग्स, पहले तो सबसे बड़ा रूल ये है टैग्स का कि आप अपने कंटेंट से रिलेटेड ही टैग्स को लें। ये नहीं कि मतलब आप बना तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो रहे हैं और टैग्स जो डाल रहे हैं वो आप किसी और चीज़ पर डाल रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें कि टैग्स हमेशा आपके कंटेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए, और आपका जो प्राइम टैग है, जो भी आपका प्राइम टैग है, वो आपके टाइटल में आना चाहिए शुरुआत में, और वो आपके डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, और जब आप टैग लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले वो टैग आना चाहिए। तो तीन जगह सीक्वल में वो चीज़ होनी चाहिए, टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, और आपका जब टाइटल और टैग्स आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आना चाहिए। ये आपका सीक्वल, ये सीक्वेंस होता है बल्कि मैं कहूँगा। अब प्राइम टैग होने के बाद अब आपको क्या करना है? देखिए प्राइम टैग होने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो सर्चेस चल रही हैं वो टैग्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो यूट्यूब सजेशन जो आता है जब आप लिखते हैं ना हाउ टू, उसके बाद जो आता है या तो आप उनको ले लीजिए, नहीं तो गूगल पे जाइए, गूगल पे भी सेम सर्च कीजिए, नीचे जब आएंगे सबसे लास्ट में तो आपको पूरी की पूरी पट्टी मिल जाती है कि लोग और क्या सर्च कर रहे हैं। दो तरीके तो फ्री के ही हैं। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि आप कीवर्ड प्लानर, जो मैंने आपको कीवर्ड में भी बताया था, कीवर्ड क्या, हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स में, तो वो वहाँ पे जाइए, वहाँ से रिलेटेड वहाँ पर निकाल लीजिए। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये आती है कि सर हाई प्रोटेंसी वाले, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाले टैग्स को लें या लो फ्रिक्वेंसी वाले लें, या अगर है ही नहीं उन पर कोई ट्रैफिक तो लें या ना लें। देखो अगर आपको टैग पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है लेकिन वो टैग आपकी वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ आप उसको डालिए, क्योंकि आज उस पर ट्रैफिक नहीं है लेकिन कल आपकी उस टैग पे आपकी ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि डू नॉट कॉपी द अदर्स टैग, जो आप दूसरे को टैग को कॉपी करते हैं। एक बहुत देखो यार, आप सेम वीडियो बनाओगे तो टैग्स तो मैच हो जाते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन वो वीडियो में कुछ और बोल रहा है, आपने वीडियो में कुछ और बोला है, और आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के टैग्स को कॉपी कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो चलती नहीं है। आपने जो जो वीडियो के अंदर बातें कही उन्हीं को आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि पहले एक स्क्रिप्ट बना लीजिए, स्क्रिप्ट में सोच लीजिए कि हाँ ये मेन मेन कीवर्ड्स को मुझे बोलना है, कि मैं इसी बारे में आज डिस्कस करूँगा, और उसी पर मैं आर्टिकल लिखूँगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखूँगा, और उन्हीं आर्टिकल्स को मैं मतलब उन्हीं टैग्स को मैं टैग्स में डालूँगा। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को फॉलो करके चलेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी रैंकिंग जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, और आपकी जो मतलब आपकी चाहे व्यूज़ नहीं आते हैं या जो भी दिक्कतें होती हैं, वीडियो रैंक नहीं करती हैं, वो सारी रैंक जो है कर जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे आपको बोनस देना चाहता हूँ, विद आईक्यू या हो ट्यूब बड़ी, हमेशा अपनी वीडियो को प्राइवेट विंडो में क्रोम की खोल के देखें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी वीडियो रैंक कहाँ कर रही है। क्योंकि बताऊँ होता क्या है, जब आप विद आई क्यू से टैग्स लेते हैं या ट्यूब बडी से लेते हैं या कहीं से लेते हैं, तो जब आप डालते हैं ना उसको, तो वो हाथों हाथ कुछ रैंकिंग दिखाने लग जाता है, आप लगते हो यार हमने तो डालते हैं हमारी वीडियो रैंक होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो आपको जब आप थोड़ी देर बाद अब जाके आप प्राइवेट विंडो में जब क्रोम को खोलोगे या फायरफॉक्स ओपरा जो भी आपने खोलना है वो जब आप खोलोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आपकी
जो वीडियो है वो कहाँ आ रही है। देखो चैनल छोटा होता है तो इट विल टेक सम टाइम, वीडियो को रैंक होने में समय लगता है। जैसे ये चैनल अभी मेरा बहुत छोटा है तो यहाँ पर मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उम्मीद नहीं करता कि ये बहुत जल्दी रैंक होगी। धीरे 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 रैंक होती है। जब और लोगों की वीडियोज़ आपकी डाउन होने शुरू हो जाती है तब आपकी ये वीडियो एक एक करके ऊपर जाती है। और बेसिकली टैग्स जो है वो आपके रिलेटेड सर्चेस के अंदर बहुत मैटर करते हैं। एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और उसमें से कुछ ऐसे टैग्स होते हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो कुछ कंटेंट जो होता है वो आपका दूसरे बंदे के कंटेंट से मिल रहा होता है। टैग्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कंटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपने दोनों चीज़ें सिमिलर बोली होती हैं तो जाके वो रिलेटेड उसमें जाती है। और ये चीज़ें आपको अपने जो YouTube का एनालिटिक्स होता है ना उसमें जाके आपको पता चल जाती है कि आपकी वीडियो को कहाँ से व्यू मिल रहे हैं। तो एनालिटिक्स जो होता है ना उसको ज़रूर एक बार देखा करो, उससे बहुत आपको फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। तो टैग्स की सारी कहानी यही है, कॉपी मत करिए, अपने टैग्स बनाइए, रिसर्च करके टैग्स बनाइए तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसी दुआ के साथ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम की आईडी जो होती है वो आपके स्क्रीन पर आती रहती है, आज ही फॉलो कर लेना मेरे को। फॉलो करके अगर डीएम करना चाहते हो डीएम करो, अपनी वेबसाइट या अपनी यूट्यूब लिंक को छोड़ दो, देख के बता दूंगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो।